15 सालों के बाद राम रहीम के साधु ढोंग के पीछे का सच सबके सामने आया, लेकिन इस सच ने सबके सामने एक से एक मुसीबतें लाकर खड़ी कर दी। और देखने वाली बात तो ये है कि इस बाबा ने एक आरोप नहीं बल्कि कई आरोप किए हैं, लेकिन सारे आरोप कैद होने के बाद ही सभी को पता चले। दरअसल एक ऐसा ही आरोप फिर से एक सिंगर ने बाबा बने राम रहीम पर लगा दिया है। एक पंजाबी गायक का कहना है कि राम रहीम ने उन्हें धमकियां दी। चंडीगढ़ में पंजाब के चर्चित सिंगर राज बलराज मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने राम रहीम पर ये आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि कैसे बाबा के ड्राइवर और समर्थक उन्हें धमकाते थे। बलराज ने बताया कि इस मामले में उन्होंने शिकायत इसलिए दर्ज नहीं करवाई क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके चलते वे 2011 में शिकायत दर्ज नहीं करवा पाए। अब अगर पुलिस इस मामले में उनसे कोई शिकायत लेना चाहेगी तो वे जरूर शिकायत देंगे। अब जब इतने सारे आरोप लगने लगे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट में बाबा राम रहीम की सुनवाई फिर से दोहराई जाए, क्योंकि इतने सारे आरोपों पर उनकी सजा और बढ़नी चाहिए, क्योंकि जितनी सजा अभी उन्हें सुनाई गई है उससे कहीं ज्यादा इनके पापों का चिट्ठा खुलने लगा है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से ममता की रिपोर्ट।